जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखा रहे हैं कलेजी मसाला फ्राई। या तो तवे पर कर लें, अगर तवा नहीं है तो आप अपनी देखी पतीली में भी कर सकते हैं। 1 किलो हमने कलेजी ले ली है, आप बकरे की ले लें, बीफ की ले लें, इन दोनों में से कोई भी कलेजी ले सकते हैं। तो चले आए, हम आपको सिखाते हैं कलेजी फ्राई मसाला। सही जी, 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया इसके अंदर हमने। ये है पपीता, अगर बड़े की है तो 2 टेबल स्पून भर के डालेंगे, अगर छोटे की है तो 1 टेबल स्पून। ये तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून डाला है क्योंकि जमा हुआ है ना पानी में इसके अंदर, इसलिए तो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये आ गया हमारा हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अच्छा जी, मसालों में जाएगा नमक, नमक बहुत तेज है इसलिए हम 1/2 टीस्पून डाल रहे हैं। नमक अगर कम होगा तो तेज कर सकते हैं, अगर तेज हुआ तो कम नहीं कर सकते। ये जी 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, मेथी दाना 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून एंड द 1/2 जाएगा कुटा हुआ धनिया, ये दोनों जाते हैं, लाल मिर्चें पीसी हुई 1/2 टीस्पून। ये चटपटी बनेगी बड़ी मज़ेदार। ये है जीरा पाउडर 1 टीस्पून जीरा पाउडर। सही जी, तमाम मसाले हमने डाल दिए हैं इसके अंदर। 1 टीस्पून व्हाइट सिल्कर, इससे ये होगा कि आपकी कलेजी काली नहीं होगी और अपनी रंगों रूप में पकेगी। मिक्स करें। सही जी, ओके। अब इसको हमने छोड़ देना तकरीबन 1 घंटे के लिए। सही है, उसके बाद आते हैं फिर बताते हैं कि किस तरह, अगर आप तवे पे बनाना चाहें तवे पे बना सकते हैं, तवा नहीं है लोगों के यहाँ बड़ा तो आप देखची में, हम देखची में बनाएंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। तो सही जी, अब हमें देखें चाहिए होगा तकरीबन 4 हमने ले लिए टमाटर, उसका पेस्ट बना दिया ये, और हमें चाहिए होगा 1 कप के करीब ऑयल। पहले हम ये कलेजी जो कि हमारी 2 घंटे होगा तेज आंच पे हमने इसको भूनना, ये जो मसाले का पानी था वो डाल दिया इसमें तेज आँच कर लें, जैसे ये कलर बदलेगा हम इसके अंदर टमाटर में डाल। सही जी, इसकी शक्ल बदल गई, अब हमने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाल मिक्स करके, तो बस इसको हमने छोड़ देना तेज़ आंच पे ताकि इसका पानी सूख जाए। सही जी, देखें सब पानी सूख गया, अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको 1 से 2 मिनट भूनना हमने अच्छी तरह। तो ये देखें कलेजी गल चुकी है। ओके जी, अब बस उसको भून के उतारेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही वी आई पी। अच्छा, अगर आपके पास तिल और गुर्दे हो तो वो भी मिला दें, मैंने इसमें मिला दिए थे बकरे की एक कलेजी में। सही जी, आ गई हमारी हरा धनिया। ओके जी, ये हमारी ओके हो गई कलेजी। इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद।